लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद के वरिष्ठ पत्रकार कोरोना से जंग जीतकर घर वापस लौटे। जी हाँ, वरिष्ठ पत्रकार रियाजुद्दीन कोरोना से जंग लड़ रहे थे। इनका इलाज FH मेडिकल कॉलेज में चल रहा था और लगातार दो रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। आज सुबह रियाजुद्दीन FH मेडिकल कॉलेज से घर के लिए जब रवाना हुए तो उन्होंने FH मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर स्टाफ की प्रशंसा की और उनका आभार व्यक्त किया। वहीं FH मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने भी रियाजुद्दीन का गुलाब के फूल डालकर विदाई दी। रियाजुद्दीन ने भी सभी स्टाफ और डॉक्टर का फूल डालकर अभिनंदन किया और उसके बाद वह अपने घर के लिए रवाना हुए। वहीं रियाजुद्दीन के साथ 6 और लोगों को भी FH मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज किया गया, जिनका FH मेडिकल कॉलेज के मैनेजर ने हालचाल पूछा और आगे क्या सावधानियां बरतनी हैं इसके बारे में सभी को जानकारी दी। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। अच्छी नहीं, खूबसूरत भी है। तो मैंने फिर ये निर्णय लिया था कि मैं बिना इस पूरी टीम FH कॉलेज का धन्यवाद अर्पित किए हुए, जो यहाँ नेटवर्क है वो काबिले तारीफ है। और क्योंकि मैं पूरा मंडल ही नहीं, मैं सब पर नज़र रहती है और फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के और भी कोविड सेंटरों पर मैंने स्टार्टिंग में कवरेज की थी, लेकिन आपके यहाँ की हॉस्पिटलिटी बेहद और ह्यूमन थेरेपी के, ये मैंने देखा एक आत्मीयता के साथ पूरा स्टाफ काम करता है। तो मैं सबसे पहले जो मेरे डॉक्टर हैं, स्टाफ है, मैं इनका धन्यवाद अर्पित चंद फूलों के साथ देके करना चाहूँगा। खाने में कोई दिक्कत? खाने में कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमारी सुबह बात हुई थी, अब मैं आपसे घर में मिला था। जी आप मिले थे? हाँ, वहाँ पर आप, क्या नाम है आपका? जावेद खान। जावेद खान भैया, ऊपर वाले के रहम से आप जल्दी ठीक हो गए। आइए आ जाइए, एक ही करके आइए, एक ही करके। क्या नाम है आपको? आपके साथी रानी भी है जो निकल चौथी भाई है। आपका नाम? अरे सर, आपसे तो बहुत काम है, आपको सब कुछ पता ही है सर। बस यही आप लोग ऐसे से कोई दिक्कत तो समझते हैं? आप फिरोजाबाद के हैं, आप मुझसे पहले भी परिवार।